हेलो एवरीवन, नॉलेज ऑफ साइंस में आप सबका स्वागत है। नॉलेज ऑफ साइंस में आज हम प्लांट पैथोलॉजी के एक टॉपिक सीरियल जिसका रोग शीथ ब्लाइट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये राइस में लगने वाला बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के बाद दूसरा इम्पोर्टेंट रोग है। यह रोग फंगस से होता है और जिसका सेक्सुअल स्टेज थेनेटोफोरस कुकुमेरिस और एसेक्सुअल स्टेज राइजोक्टोनिया सोलेनाई है। अब हम समझते हैं इसके सिम्टम के बारे में। सिम्टम को समझने से पहले हम कुछ इसके राइस के इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में अध्ययन करें। ये जो है इसको बोलते हैं टिलर्स, और ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं कल्म। ये होलो स्टेम जो होता है सीरियल्स में उसको बोलते हैं कल्म्स। ये जो ऊपर आपको दिख रही हैं ये पत्तियां, ये कहलाती हैं फ्लैग लीफ, और यहाँ से जो बाली निकलती है इसको बोलते हैं पेनिकल, और ये पेनिकल का सबसे निचला भाग कहलाता है। शीथ ब्लाइट क्या होता है? जो कल्म होता है, कल्म के ऊपर जो रैपिंग होती है लीफ के द्वारा उसको बोलते हैं शीथ, तो उसी पे लगता है ये शीथ ब्लाइट। अब समझते हैं इसके रोग के बारे में। तो ये इस रोग के सिम्टम है। ये रोग आपका टिलरिंग से लेकर हेडिंग स्टेज तक लगता है। टिलरिंग मतलब ये जो आप देख रहे हो ये टिलर्स हैं। इस स्टेज से लेकर जब बाली बनने लगती है उस स्टेज तक ये रोग लगता है। इस रोग में जो सिम्टम हैं वो लीफ शीथ और कल्म पे देखने को मिलेंगे। लीफ शीथ मतलब ये जो रैपिंग है, जो ढका हुआ तने को ढका हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं लीफ शीथ, और ये जो होलो स्टेम है इसको बोलते हैं कल्म। तो इस पे सिम्टम इसके अपीयर होते हैं, और ये इसकी खासियत है कि ये जो पानी है पानी के ऊपर आपको ये सिम्टम दिखाई देंगे, इसी के ऊपर ये अटैक होगा। इसका जो शेप है ओवल इलेप्टिकल या इरेगुलर शेप का होता है, जिसका कलर ग्रीनिश ग्रे होता है। इसमें बाद में जो है ये जो सिम्टम है ये सिम्टम इनलार्ज करेगा, और जैसे जैसे ये सिम्टम बड़ा होता है इसका जो सेंटर है सेंटर ग्रेइश वाइट हो जाएगा, और इसका जो बॉर्डर है वो ब्लैकिश ब्राउन या पर्पल ब्राउन कलर से बॉर्डर रहेगा, या फिर इसको इनसर्कल किए होगा। आप ये देख सकते हो, जैसे ये मान लो तो इसका जो सेंटर है वो ग्रेइश वाइट रहेगा ये वाला, और ये जो इसका बॉर्डर है ये रहेगा पर्पल ब्राउन या ब्लैकिश ब्राउन। वैसे इसके सभी पार्ट जैसे जैसे ये रोग आगे बढ़ता है और एक्सटेंड करता है ये वाटर लेवल से लेकर यहाँ से, और ये जो लीफ शीथ है वो फ्लैग लीफ है, फ्लैग लीफ इसके बीच का जितना भी पोर्शन है वो सब इस रोग से इफेक्टेड होता है। और इस रोग में जो लीफ होती है जो कल्म होता है, और कल्म क्या होता है जो होलो स्टेम ये मान लो इसको क्या बोलते हैं कल्म, तो कल्म के ऊपर सिल्की वेफ्ट रेशमी कलर के माइसीलियम की ग्रोथ पाई जाएगी, और वेफ्ट क्या होता है ये इसके चारों तरफ ऐसे फैले होते हैं उसको बोलते हैं वेफ्ट। तो सिल्की वेफ्ट जो कि माइसीलियम होता है ये कल्म के चारों तरफ दिखाई देगा, और ये जो वेफ्ट होता है बाद में स्क्लेरोसिया में परिवर्तित होता है और ग्राउंड पे गिरता है, ये बाद में इनाकुलम का काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये जितने सिम्टम हैं ये आपस में कोलेक्स करेंगे, और ये जब आपस में मिलेंगे तो जो लीफ शीथ है और जो पत्ती है वो पूरी सूख जाएगी, और सूखने के बाद ये जमीन पे गिर जाएगी। और अगर ये सिम्टम जो है इंटरनल शीथ में पहुंचता है, जैसे ये शीथ है इसके अंदर अगर इसका प्रभाव होता है तो उसके वजह से जो पूरा प्लांट है उस पूरे प्लांट की डेथ हो जाती है। और ये जो रोग है वो ससेप्टिबल होता है ओल्डर प्लांट, और ओल्डर प्लांट में जो लीफ शीथ जो पुराने लीफ शीथ होते हैं उसको ये प्रभावित करता है। ससेप्टिबल क्या होता है, जो प्लांट होता है वो अटैक के हिसाब से दो प्रकार का डिवाइड किया जाएगा।
एक होता है रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट ऐसा प्लांट होता है जिस पे रोग का प्रभाव बहुत कम देखने को मिलेगा, और ससेप्टिबल वो प्लांट होता है जिस पे रोग सबसे ज़्यादा अटैक करता है। तो जो इसमें ओल्डर प्लांट और ओल्डर प्लांट में जो ओल्ड लीफ सीथ हैं उस पे जो सीथ ब्लाइट का अटैक है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। यह रोग अगर अर्ली हेडिंग स्टेज, हेडिंग मतलब बाली बनने के समय अगर लग जाता है तो ग्रेन फिलिंग जो है वो पुअर हो जाती है, तो पुअरली ग्रेन फिलिंग होगी इसमें, और उस वजह से जो ये जो पेनिकल है, पेनिकल के नीचे निचला जो दाने हैं उसमें ये आपको देखने को मिलेगा, जो पुअर फील्ड ग्रेन है वो। अब हम समझते हैं इसके एटियोलॉजी के बारे में। एटियोलॉजी में एसेक्सुअल स्टेज में हाइफा जो होता है, हाइफा शुरू में हाईलाइन होता है, बाद में ये ब्राउन कलर में परिवर्तित हो जाता है और ब्रांच्ड होता है। और हाइफा में ब्रांचिंग ऐसी होती है, वो होती है राइट एंगल्ड। राइट एंगल ब्रांचिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे ये हाइफा है और यहाँ से ये एक ब्रांच निकली, यहाँ से एक ब्रांच निकली, तो यहाँ से ये जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उस हिसाब से इसको बोलते हैं राइट एंगल्ड ब्रांचिंग। तो हाइफा में राइट एंगल्ड ब्रांचिंग होती है। हाइफा से मिलकर माइसीलियम बनता है जो कि सेप्टेट लंबा और शुरू में हाईलाइन होता है, बाद में येलो कलर में परिवर्तित हो जाता है। और माइसीलियम जो आपस में कंपैक्ट हो जाता है स्क्लेरोसिया बनाता है। स्क्लेरोसिया ग्लोबोल शेप का, और शुरू में ये सफ़ेद और बाद में पर्पलिश ब्राउन कलर में ये परिवर्तित हो जाता है। स्क्लेरोसिया क्या होता है, स्क्लेरोसिया जो माइसीलिया होता है उसका कम्पैक्ट मास होता है, या माइसीलियम आपस में एग्रीगेट होके कम्पैक्ट मास बनाएगा जिसको बोलते हैं स्क्लेरोसिया। ये जो इररेगुलर और हेमी स्फेरिकल होता है, बॉटम कैसा होता है, फ्लैट होता है, ये मान सकते हो इस प्रकार से, ये इसका नीचे का बॉटम जो है वो फ्लैट रहेगा। तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर में जिसका बॉटम फ्लैट हो वो स्क्लेरोसिया में देखने को आपको मिलेगा। और ये शुरू में सफ़ेद होता है, बाद में ये ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर में परिवर्तित हो जाता है। अब हम इसके डिजीज साइकिल बारे में अध्ययन करेंगे। डिजीज साइकिल में जो प्राइमरी और सेकेंडरी इनाकुलम है, जिसमें प्राइमरी इनाकुलम में स्क्लेरोसिया और माइसीलिया ये दोनों काम करते हैं, और ये जो ड्राई सॉयल है उसमें सर्वाइव करते हैं लंबे समय तक। मॉइस्ट सॉइल में ये मतलब स्क्लेरोसिया और माइसीलिया 5 से 8 महीने तक पड़े रह सकते हैं, और यही जो स्क्लेरोसिया और माइसीलिया है वो प्लांट को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। और ये प्लांट जो है जो एक दूसरे से अर्थात जो हेल्दी और इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में जो इरिगेशन वाटर है उसके द्वारा फैलता है, और यही जो इन्फेक्टेड पौधे होते हैं इसमें जो स्क्लेरोसिया होते हैं वो हार्वेस्टिंग के समय जमीन पे गिर जाते हैं, और गिरने के बाद यही जो स्क्लेरोसिया होते हैं वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनाकुलम का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये डिजीज साइकिल एक के बाद एक स्टेप्स में होती है। अब हम जान लेते हैं जो पिछली बार हमने एक रोग लिया था सीरियल में, फॉल्स स्मट ऑफ राइस, उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो परफेक्ट स्टेज जो है फॉल्स स्मट ऑफ राइस की क्या होती है, पहला क्लेविसेप्स परप्यूरिया, दूसरा अस्टिक लेजिनोइडिया वायरन्स, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। तो इसमें से ये चौथा ऑप्शन होगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसका जो परफेक्ट स्टेज क्लेविसेप्स ओराइजी सेटाइवा होता है। दूसरा क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट रोल इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो प्राइमरी इन्फेक्शन का काम स्क्लेरोसिया और सेकेंडरी का कोनिडिया करता है फॉल्स स्मट के केस में, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा एक। फिर तीसरा क्वेश्चन था फॉल्स स्मट डिजीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय, तो ये फंगस से होने वाला एक रोग है, तो इसका भी पहला आंसर हो जाएगा। अब हम जानते हैं आज जो हमने रोग डिस्कस किया उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो सिम्टम ऑफ सीथ ब्लाइट ऑफ राइस अपीयर सेट, तो सीथ ब्लाइट राइस का जो सिम्टम है कहाँ अपीयर होता है,
बिलो द वाटर लेवल, अबव द वाटर लेवल, बोथ या नन, ये आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देना है और सीक्वेंस में दें तो अच्छा रहेगा। दूसरा है करेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ शीथ ब्लाइट ऑफ राइस डिजीज, तो इसका करेक्टरिस्टिक सिम्टम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इन्फेक्टेड लीफ शीथ, इन्फेक्टेड पेनिकल, इन्फेक्टेड स्टम, ये फिर ये सभी इसके करेक्टरिस्टिक सिम्टम हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शीथ ब्लाइट डिजीज जो है वो सीड बॉर्न है, सॉयल बॉर्न है, या ये दोनों प्रकार का होता है, या फिर ये सभी प्रकार का होता है शीथ। और फिर जो चौथा क्वेश्चन है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनाकुलम वो माइसीलिया है, स्क्लेरोसिया है, या दोनों है, या फिर ऑल ऑफ अबव। पांचवा क्वेश्चन, ये इसका डिस्पर्सल का मोड किस प्रकार का होता है, क्या ये वेक्टर के द्वारा फैलता है, क्या ये ह्यूमन के द्वारा फैलता है, या वाटर के द्वारा फैलता है, या इनमें से ये सभी एजेंट जो है इसको फैलाने का काम करते हैं। तो इन सभी पांचों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ये एपिसोड कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस प्रकार से जितने भी वीडियो इससे संबंधित आपको होंगे वो यहाँ कॉर्नर पे आई बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो। इसके और भी संबंधित वीडियो और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।